गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश राइट. सो इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड लेसन नंबर 9. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर लेसन नंबर 10 द नाइटिंगेल. नाइटिंगेल मीन्स व्हाट? वन टाइप ऑफ द बर्ड राइट. और उसको हिंदी में बोलते हैं बुलबुल. ठीक है. सो इसके रिलेटेड पूरी स्टोरी हमें आज सीखनी है इस चैप्टर में. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. वंस लॉन्ग अगो इन चाइना लिव्ड एन एम्परर राइट. बहुत टाइम पहले चाइना में एक राजा हुआ करते थे. एम्परर मीन्स राजा. हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड. उसकी महल में, पैलेस मीन्स महल, बहुत ही अच्छा गार्डन था राइट, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस था. दिस गार्डन एंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट. और ये जो गार्डन था वो एंडेड कहाँ पे फिनिश होता था? डेंस नियर द डेंस फॉरेस्ट, मतलब एक घना जो जंगल होता था राइट, उसके पास ये गार्डन फिनिश होता था. इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ नाइटिंगेल. और ये जो फॉरेस्ट था उसमें से कोई एक जो ट्री था उसमें एक नाइटिंगेल, मतलब एक बुलबुल रहती थी. इट sung सो स्वीटली दैट एवरी वन स्टॉप्ड स्टिल एंड listened टू इट्स सॉन्ग. वो इतना अच्छा गाती थी राइट, इतना स्वीट गाती थी कि वहाँ पे अगर कोई वहाँ से गुजर रहा हो तो वहाँ पे खड़ा रह जाता था और उसका पूरा सॉन्ग सुनता था. वो इतना अच्छा गाती थी. ठीक है. सो नेक्स्ट, ट्रैवलर्स कैम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एडमायर द एम्परर पैलेस एंड हिज गार्डन. ट्रैवलर्स मतलब जो दूसरे शहर में से राइट, दूसरी जगह से आते थे, वो सब वहाँ पे आते थे और वर्ल्ड में से कहीं से भी वो आते थे और जो राजा का पैलेस था और उसका जो गार्डन था उसकी एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा करते थे, उसको अच्छा बोलते थे. हाउएवर व्हेन दे हर्ड द नाइटिंगेल सॉन्ग दे सेड दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल. और फिर क्या होता था कि कभी भी वो वहाँ से जा रहे थे तो और उसको नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनाई देता था राइट. जब भी वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे और वो क्या बोलते थे, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, और ये तो सबसे अच्छा है सब में से. ठीक है. सुन द एम्परर हर्ड ऑफ द नाइटिंगेल राइट. फिर क्या हुआ कि जो एम्परर जो राजा था उसने उसको पता चला कि नाइटिंगेल के बारे में उसको पता चला, उसको तो पता ही नहीं था. ठीक है. इज देयर सच अ बर्ड इन माय एम्पायर. वो बोल रहे कि ऐसा कोई बर्ड है मेरे राज्य में, एम्पायर मतलब मेरे राज्य में. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना है. आई कमांड द बर्ड टू बी ब्रॉट टू माय पैलेस एंड मेड टू सिंग बिफोर मी. वो क्या बोल रहे हैं, वो सबको कमांड दे रहे हैं, सबको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जो बर्ड है उसको मेरे पास लेके आओ महल में और मेरे सामने उसको बोलो कि वो गाना गाए. ठीक है. बट वेयर वॉज अ नाइटिंगेल टू बी फाउंड. बट ये जो बुलबुल है उसको हम कहाँ पे ढूंढे, कहाँ पे ढूंढे? नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड. किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ पे रहती है. ठीक है. एट द लास्ट द पुअर लिटल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड. बहुत बाद में अ पुअर लिटल गर्ल, एक जो पुअर गर्ल थी उसने बोला. रॉयल किचन मतलब जो लोग राजा के महल में काम करते थे उसको बोलते हैं रॉयल बोलते हैं. एक जो गर्ल थी जो किचन में काम कर रही थी उसने बोला आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव्ड. उसने बोला कि मुझे पता है कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है. इट लिव इन द फॉरेस्ट. वो कहाँ रहती है, एक जंगल में रहती है. इट सिंग्स मेलोडियसली, मतलब उसका जो गाना है वो बहुत ही स्वीट है. व्हेन आई एम टायर्ड आई रेस्ट अंडर द ट्रीज एंड लिसन्ड टू द नाइटिंगेल्स सॉन्ग. जब भी मैं बहुत थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ, तब मैं उस ट्री के नीचे बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ और नाइटिंगेल का सॉन्ग जो वो गाते हैं वो सुनती हूँ. इट्स सिंगिंग मेक मी फॉरगेट एवरीथिंग. जब मैं उसका गाना सुनती हूँ तब मुझे जो भी मैं थकी हुई हूँ उसमें सब कुछ भूल जाती हूँ. सो द लिटल गर्ल लेड
द वे इन टू द फॉरेस्ट, मतलब कि इसलिए ये जो लिटिल गर्ल थी राइट, उसको उसने सबको फॉरेस्ट की ओर आगे जाने के लिए बोला कि आपको वो नाइटिंगेल वहीं पे मिलेगी। हाफ द कोर्ट वेंट विथ हर, और जो हाफ कोर्ट मतलब जो आधे लोग थे कोर्ट में जो काम करते थे राइट, वो उसके साथ गए। आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस अ गर्ल स्टॉप्ड नियर अ ट्री, बहुत सारा चलने के बाद बहुत ही डिस्टेंस पे चला उसने राइट, बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद वो गर्ल थी जो एक झाड़ जो ट्री था उसके पास वो खड़ी रह गई। शी पॉइंटेड टू अ लिटल ग्रे बर्ड अप इन द बाउच राइट, एक उसने एक ग्रे कलर का बर्ड था उसकी ओर इशारा किया कि ये देखो दिस इज़ द नाइटिंगेल, शी सेड सॉफ्टली, उसने बहुत ही सॉफ्टली बहुत ही आराम से बोला कि ये देखो ये बुलबुल है वो जो मैंने उसको बताया था। इट कांट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, एवरी वन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट राइट, सब डिसअपॉइंटेड हो गए मतलब सब दुखी हो गए कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हाउ डल इट लुक्स, ये कितनी डल लग रही है, कितनी अच्छी नहीं लग रही इतनी भी ठीक है, वो डल लग रही है। लिटल नाइटिंगेल सेड द गर्ल, उसने बोला नन्हे बुलबुल अवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे जो राजा है उसकी इच्छा है कि आप उसके सामने गाना गाए। माई सॉन्ग साउंड्स द बेस्ट इन द फॉरेस्ट रिप्लाई द नाइटिंगेल, अब जो नाइटिंगेल थी उसने बोला कि मेरा जो मैं जो गाना गा रही हूँ उसका जो साउंड है वो सिर्फ फॉरेस्ट में ही अच्छा आता है ठीक है। बट आई विल कम टू द पैलेस बिकॉज द एम्परर वॉन्ट्स मी टू, बट मैं फिर भी पैलेस में महल में आऊँगी क्यों, क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया है। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस, सो नाइटिंगेल भी उन लोगों के साथ पैलेस में पहुँच गए। द एम्परर लुक एट द बर्ड एंड ऑर्डर इट टू सिंग, अब जो राजा था उसने बर्ड के सामने बुलबुल के सामने देखा और उसको ऑर्डर किया कि आप गाना गाओ। द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडसली दैट द एम्परर हैड टीयर्स रनिंग डाउन हिज चीक, जो बुलबुल थी उसने इतना अच्छा सॉन्ग गाया कि राजा की आंखों में से आंसू निकल गए, चीक के पास पूरे निकलने लगे। ही ऑर्डर्ड दैट द नाइटिंगेल रिमेन इन द पैलेस, और जो राजा था उसने सबको ऑर्डर दिया कि ये जो नाइटिंगेल ये जो बुलबुल है वो अब से हमारे साथ ही पैलेस में रहेगी। इट वॉज कैप्ट इन द गोल्डन कैच एंड गिवन द मोस्ट डिलीशियस फूड, उसको एक गोल्डन कैच मतलब जो सोने का पिंजरा है उसमें रखते हैं और उसको बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड देते। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड, और उसका पूरा शहर है वो सिर्फ बर्ड के बारे में ही बातें करते थे। वैन द टू पीपल मैट वन सेड 19 एंड द अदर सेड गैल, जब भी दो लोग एक साथ मिलते थे राइट, तो एक लोग बोलते थे 19 और दूसरा बोलते थे गैल, दिस बिकम अ वे ऑफ ग्रीटिंग, और ये एक तरीका का ग्रीटिंग हो गया, मतलब हम जो ग्रीट कर दें ना मॉर्निंग में जब हो तो हम मैडम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं राइट, तो इसमें क्या होता था कि ये दो लोग जब भी मिलते तो एक बोलते थे 19 और दूसरा बोलते थे गेल, ऐसे एक दूसरे को वो मिलते थे राइट। सो हम यहाँ तक रखेंगे आज के दिन राइट, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे राइट। सो आई होप यू आर क्लियर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश लेसन नंबर 10 द नाइटिंगेल राइट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि राजा जो थे उसको नाइटिंगेल लेके आए महल में रख दिया था राइट ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, वन डे द एम्परर रिसीव अ पार्सल मार्क्ड द नाइटिंगेल, एक दिन क्या हुआ कि जो एम्परर थे राजा को एक पार्सल मिला जिसमें नाइटिंगेल का मार्क था। व्हेन ही ओपन्ड इट ही वाज अस्टोनिस्ट, जब भी उसने ये ओपन किया ही वॉज अस्टोनिश मतलब कि सरप्राइज हो गई कि ये क्या है। एंड इट वॉज अ गोल्डन नाइटिंगेल, और उसके अंदर क्या था, एक गोल्डन नाइटिंगेल मतलब एक सोने की बुलबुल थी।
देर वॉज अ गोल्डन की लेइंग बिसाइड इट, और एक की थी उसमें, राइट, जो उसके साइड में थी. द एम्परर वॉन्ड अप द गोल्डन नाइटिंगेल विद द गोल्डन की. आपको पता है कि हमारे जो आधे ऐसे टॉयज होते हैं जिसमें हम की लगाते हैं फिर वो चलते हैं, राइट, तो उसको ऐसा ही देखो, बाजू में पिक्चर दिख रहा है, ऐसे ही एक गोल्डन नाइटिंगेल मिला जिसमें हम की लगाएं तो वो स्टार्ट हो जाता था, और वो की भी कैसी थी, गोल्डन थी. इट स्टार्टेड सिंगिंग ब्यूटिफुल ट्यून. जैसे उसने वो की लगाई तो वो उसमें से एक बहुत ही अच्छा ट्यून निकला और वो स्टार्ट हो गया. 30 times इट सेंग द सेम ट्यून एंड येट वॉज नॉट टायर्ड. उसने ये सॉन्ग, ये जो ट्यून थी उसको 30 times सुना, फिर भी वो टायर्ड, फिर भी वो थके नहीं. द एम्परर सेड दैट द लिव नाइटिंगेल आउट टू बी सॉन दिस वंडर, राइट. अब ये एम्परर ने क्या सोचा कि अब ये जो सॉन्ग है, ट्यून है, वो मैं हमारे जो लाइव नाइटिंगेल है, राइट, उसको उसका दिखाती हो और उसको देखते हैं कि देखो ये कितना अच्छा करिश्मा दिखाया इसने कि ये जो गोल्डन है वो गोल्डन नाइटिंगेल है, वो ऐसा बोल रही है, सुन रही है. बट वेयर वॉज अ लाइव नाइटिंगेल. बट पर अब क्या हुआ कि किसी को नहीं पता है कि ये लाइव जो एक्चुअली नाइटिंगेल बुलबुल थी वो कहाँ है. नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लॉन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो बैक टू द फॉरेस्ट. किसी को भी, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जो हमारी एक्चुअल बुलबुल थी, राइट, वो उड़ के ओपन विंडो से उड़ के वापस से फॉरेस्ट में चली गई है. हाउ डज इट मैटर, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, सेड एवरीवन. ये जो नाइटिंगेल थी हमारी, जो बुलबुल थी, राइट, नाइटिंगेल, वो तो चले गए फॉरेस्ट में, तो सबने बोला कि उसमें क्या है, हमारे पास अब दूसरे बर्ड है जो बेस्ट बर्ड है, बाकी उस लाइव नाइटिंगेल से भी ये वाला जो बर्ड है वो बेस्ट है, वो सब आज सब लोग बोलने लगे. द गोल्डन बर्ड वॉज मैड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरीवन न्यू इट ट्यून्स बाय हार्ट. और जो चावी वाली जो थे, राइट, गोल्डन नाइटिंगेल, वो उसका साना, उसका जो गाना था वो सब अगेन अगेन बहुत बार बार सुनते ही रहे थे, जब तक सबको याद ना रह जाए वो ट्यून, जब तक वो सबको बाय हार्ट ना हो जाए तब तक वो सब ये सॉन्ग सुनते ही रहते थे. सो अ होल ईयर वेंट बाय. ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल थी नाइटिंगेल, राइट, उसको सुनते सुनते एक पूरा ईयर निकल गया. सडनली द एम्परर फेल ईल. क्या हुआ, सडनली द एम्परर, जो राजा था, उसको फील ईल, मतलब वो बीमार पड़ गए. इन हिज इलनेस ही लॉन्ग्ड टू हर अ मेलोडियस सॉन्ग म्यूजिक, ही सेड, राइट. उसको ऐसा, वो जैसे ही बीमार पड़ गए तो उसको ऐसा था कि मुझे कोई स्वीट सा सॉन्ग सुनना है, राइट, जो लॉन्ग्ड, मतलब जो बहुत ही इच्छा होती है ना, उसको ऐसा स्वीट सॉन्ग सुनने की उसको इच्छा हुई है. प्रीशियस गोल्डन बर्ड सिंग योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन, राइट. उसने बोला कि आप अच्छा सॉन्ग गाओ तो मैं फिर से फिर से मैं अच्छा हो जाओ. उसने वो जो गोल्डन बर्ड थी, राइट, जो चावी वाली थी, राइट, उसको बोला कि आप वापस वही का वही सॉन्ग गाओ तो मैं वापस से अच्छा हो जाओ. बट द बर्ड स्टूड स्टिल. बट ये जो बर्ड थी, राइट, उसने उसके सामने ऐसे ही देखा, क्योंकि ये थी वो आर्टिफिशियल थी, राइट, वो सामने हाँ या ना या फिर मुंह तो हिला नहीं सकती, ठीक है, तो वो जो बर्ड थी उसके सामने ऐसे ही देख रहे हैं. इट वॉज वॉर्न आउट इन साइड एंड देर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट. अब ये जो नाइटिंगेल थी, राइट, गोल्डन, वो अंदर से टूट गई थी, राइट, मतलब वो अब ख़राब हो चुकी थी. देर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट. अब उसके में से कोई म्यूजिक नहीं निकल रहा था. क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी. द एम्परर लॉन्ग्ड फॉर म्यूजिक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग. अब ये जो एम्परर थी उसको बहुत ही इच्छा हुई थी, लॉन्ग्ड मतलब इतना स्ट्रांगली कोई इच्छा होना, राइट, उसको इच्छा हुई थी कि अब मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना है, बट ये तो टूट गई थी बट, तो वो गाना नहीं गा सकती थी. देन फ्रॉम द विंडो सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड.
थोड़ी देर बाद राइट विंडो में से उसने बहुत ही अच्छा गाना सुना राइट. अब वो क्या था, इट वॉज अ लिटल लाइव नाइटिंगेल दैट सेट आउटसाइड ऑन द ऑन अ ट्री. अब वो गाना उसने सुना विंडो में से, तो वो क्या था, जो लाइव नाइटिंगेल जो एक्चुअल बुलबुल थी राइट, वो वहाँ पे बाहर बैठी थी कहाँ पे, ट्री में. इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस एंड हैड कम टू सिंग टू हिम. उसने ये सुना था कि जो राजा था वो इल मतलब बीमार हो चुका था राइट. सो उसने जो बुलबुल थी उसने ये सुना था, इसलिए वो वापस आई है गाना गाने के लिए उसके लिए. इट सॉन्ग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग, और वो सबसे बहुत ही अच्छा उसने गाना गाया. एस इट सैंग द एम्परर फेल्ट बेटर. जैसे ही उसने ये गाना स्टार्ट किया सिंग, उसने गाना छोवा गाट स्टार्ट किया, तो राजा को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा. थैंक्स सेड द एम्परर. सो जो राजा था उसने उसका आभार मतलब थैंक यू बोला कि आपने गाया. यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी, आपको अब तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा. नॉट सो रिप्लाई द नाइटिंगेल, उसने बोला कि नहीं अब और ज़्यादा नहीं. आई कांट लिव इन अ पैलेस, आई विल कम एंड सिट ऑन द ट्री बाय द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू. उसने बोला कि मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकती, बट मैं पैलेस में नहीं रहूँगी, बट मैं हर रोज़ आपको इवनिंग पे विंडो पे आके यहाँ पे बैठ के मैं आपको गाना सुनाऊँगी. बट यू मस्ट प्रोमिस मी वन थिंग, बट आपको एक मुझे प्रोमिस करना पड़ेगा. एनीथिंग सेड द एम्परर. अब राजा ने बोला कि कुछ भी आप कुछ भी मांगो, मैं कोई भी प्रोमिस करने के लिए रेडी हूँ. लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन द केज राइट, कोई भी बर्ड को आप केज में पिंजरे में मत डालना, मत रहने देना. द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड एज यू विश माई नाइटिंगेल. और फिर राजा ने स्माइल किया और बोला कि आप जैसा कहो बुलबुल. द नाइटिंगेल फ्लो अवे हैप्पीली ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे. और जैसे ही राजा ने ऐसा उसको प्रॉमिस दिया, वो नाइटिंगेल थी वो वहाँ से खुश होके वहाँ से चली गई. और क्यों, और फिर वापस नेक्स्ट डे उसको वापस से आना है राजा के विंडो के पास बैठ के उसको गाना गाना है राइट. सो दिस इज़ द चैप्टर लेसन नंबर 10 द नाइटिंगेल. बहुत ही अच्छी स्टोरी थी राइट. आई होप यू आर क्लियर. थैंक यू.